हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ गांव के हरी सब्जियों के ये पकोड़े। गांव में बहुत सारे बनाए जाते हैं, तो बहुत तरह के भी बनाए जाते हैं, बट एक तरह का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है, ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। इस समय ये सब्जियाँ बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। उसके बाद मसाले पीसने के लिए मैंने लिया है, खड़े लहसुन को थोड़ा ज़्यादा लेना है, लहसुन की कलियों को, और मिर्च अपने तीखा अनुसार, जीरा, मिर्च। और इस जो दो तरह के ये साग हैं जिसे मैंने लिया है, ये एक को बोलते हैं करेमुआ बट दूसरे को मरसा बोलते हैं हमारे इधर। आप लोग क्या बोलते हैं वो कमेंट करके बताइएगा, बट हमारे इधर तो इसे करेमुआ और मरसा बोलते हैं। तो इस तरीके से हल्का हल्का बारीक सा, ज़्यादा बारीक ना कटें, कट करें तब भी ये बहुत ही अच्छे फ्लेवर में बनते हैं। जैसे अरवी के पत्ते को लपेट के बनाया जाता है, सेम उसी तरीके ये बनाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है क्योंकि इसमें मसाले थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करने पे इसका फ्लेवर बहुत ही यम्मी आता है। तो इस तरीके से मसाले हम मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे, और हमने हरी सब्जियों को काट के अच्छे से धुल लिया है ताकि उसकी धूल मिट्टी वगैरह निकल जाए। तो इस तरीके से धुलने के बाद हम उसमें मसाले जो हमने मिक्सी के जार में ग्राइंड किया उसको भी इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना हल्का एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक चम्मच गर्म मसाले ऐड करेंगे। उसके बाद चने का बेसन अगर आपके पास हो, ना हो तो आप मटर का भी बेसन ले सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें मेल्ट करके स्वाद अनुसार नमक भी इसमें ऐड कर दें ताकि ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर के बने। और अगर आपको ये थोड़े से गीले लगे तो आप बेसन और ले सकते हैं, और इस तरीके का बैटर बना के हाथों में पानी लगा के, तेल बिल्कुल भी ना लगाइएगा, पानी हल्का सा लगा के ये बहुत ही बढ़िया और स्मूथ सा इस तरीके से गोल सा शेप दे दीजिएगा। क्योंकि लपेटने वाला अरवी के पत्ते का एक प्लेट पर रख के लपेटा जाता है, तो इसे लपेटना बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको सब्जियां काट लेनी है, उसमें सारी चीज़ें ऐड करके इस तरीके से गोल सा शेप दे देना है। तो मैंने इतनी सारी सब्जियों का तीन बनाया था, तो तीन बनाने के बाद मेरे पास उस तरीके का कोई बर्तन नहीं था, तो मैंने ये इडली वाला बर्तन लिया था। इडली वाले बर्तन में 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया, उसके बाद इडली वाले ढक्कन को इस तरीके से उलट के इसमें इस तरीके से लगा दिया। फिर जब ये थोड़े से इसमें से भाप आने लगी, नीचे का पानी उबलने लगा, तब हम इस पर ऊपर से हल्का सा ब्रश से तेल लगा देंगे। हल्का सा तेल लगाने के बाद इसे चारों साइड से अच्छे से इसमें तीनों हमने जो बनाया है सब्जियों का वो इस तरीके से रख देंगे। इसे बोलते हैं गांव में रिकवच, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग इसे पकौड़ा भी बोलते हैं, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बट मेरे यहाँ तो यही बोलते हैं। तो मैं भी आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे रिकवच बोलते हैं और सब्जियों को करेमुआ बोलते हैं। इस तरीके से पैन में ऐड करके 5 मिनट बाद देखिएगा, इसमें चक्कू इस तरीके से लगा के या फिर कोई भी नाइफ हो, कोई भी चीज़ हो, इस तरीके से धसाइएगा। तो जब ये पूरी तरीके से धस जाए तो समझ लीजिए अभी नहीं पूरी तरीके से पका है। तो जब ये पक जाएंगे, बिल्कुल पकने के बाद इस तरीके से साइड से आप हटाना चाहेंगे तो ये बर्तन नीचे से छोड़ देंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। एक बार इस पकौड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये देखिए गर्मा गर्म मैं इसमें से प्लेट में निकाल दे रही हूँ, और इसे 2-3 घंटे के लिए मैं इस तरीके से नहीं रखना है क्योंकि थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, तुरंत बाद इसका कलर भी चेंज हो जाता है। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब हम इसे काट के तल लेंगे। तो ये देखिए जब थोड़े से ठंडे हो गए तो इसका कलर बिल्कुल भी ग्रीन सा हो गया और चेंज हो गया। तब हम क्या करेंगे, एक नाइफ की सहायता से इसे इस तरीके से गोल गोल सा कट कर देंगे, बिल्कुल बर्फी की तरह। इस तरीके से कट करने के बाद इसे हमें तेल में फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो हल्के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये जैसे कसावलपन होता है, कसाता है, कुछ पत्ते नहीं अच्छे होते हैं वो अगर हो तो आप इसमें भरे हुए मिर्च का तेल का उपयोग करें, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से तलने वाले तेल में हल्का सा मिर्च ऐड कर दें और इस तरीके से फ्राई कर दें, बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो ये बिल्कुल गले में लगते नहीं हैं। तो इस तरीके से बनाना और उस तरीके का बनाना बहुत ही अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जब इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तेल में तो इसे फ्राई करने के बाद आप इसे निकाल लें। निकालने के बाद सेम वही प्रोसेस दूसरा वाला भी जो आपके पास बचा हुआ है वो भी सेम उसी तरीके से आपको फ्राई कर लेना है। तेल में जितने सारे आ जाएँ उतना आपको इस तरीके से फ्राई कर लेना है क्योंकि ये ज़्यादा तेल नहीं सोखते हैं और फटाक से बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। तो हर घर में हर किसी को ये पसंद आते हैं, बट गांव के लोग ये सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग इसे पसंद करते हैं या फिर नहीं करते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। यार कोई भी रेसिपी का आप लोग जवाब ही नहीं देते या फिर कैसी लगी, तो अगली रेसिपी में कुछ मज़ेदार लेके मिलूँगी।
तब तक के लिए इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय।